चांद पर जाना चाहती हूँ। तो फिर जाओ ना। कैसे? ऐसे। वाह! क्या बाकी लोग भी ये सब देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। बस प्ले स्टोर में जाओ, 3D बियर ऐप डाउनलोड करो और AR वर्ल्ड क्रिएट करो। पापा वर्सेस मम्मी, चिंकी पापा की परी थी और गट्टू मम्मी का लाडला। दोनों भी मम्मी पापा से बेहद प्यार करते, लेकिन फैसले की घड़ी में चिंकी पापा की साइड लेती और गट्टू मम्मी के बाजू में खड़ा हो जाता। एक दिन दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पापा ज्यादा पावरफुल है या मम्मी? मेरी मम्मी पापा से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी मम्मी हॉल में आई और गैलरी में खड़े पापा को आवाज देने लगी। सुनो, सिलेंडर खत्म हो गया है, स्टोर रूम में से सिलेंडर ले आओ। ये सुनकर चिंकी जोर जोर से हंसने लगी। क्या बात है चिंकी? नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ, पापा सिलेंडर लेकर आ जाएंगे, है ना गट्टू? चिंकी फिर से हंसने लगी और गट्टू गुस्सा हो गया। तभी पापा वजनदार सिलेंडर बाहुबली की तरह कंधों पर उठाकर किचन की तरफ निकल गए। देखा, पापा बाहुबली की तरह पावरफुल है, मम्मी तो सिलेंडर हिला भी नहीं सकती। हाँ हाँ, रहने दो, पापा सिलेंडर उठा सकते हैं, लेकिन किचन में घंटों खड़े रहकर हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता और फिर रात का डिनर थोड़ी बना सकते हैं। मम्मी हाथ में झाड़ू पोछा लेती है तो चुटकी में घर साफ हो जाता है। पापा झुकते हैं तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है। मम्मी इतने सारे काम फटाफट करती है फिर भी उनकी कमर दर्द नहीं करती। फिर तो पापा से ज्यादा पावरफुल मम्मी ही है ना? ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। नहीं, पापा पावरफुल है। नहीं मम्मी, नहीं पापा। दोनों की बहस सुनकर पापा मम्मी हॉल में आ गए। गट्टू चिंकी क्यों बहस कर रहे हो? मम्मी देखो ना, चिंकी कह रही है पापा ज्यादा पावरफुल है, आप नहीं। अरे तो इसमें गलत क्या है? चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो हूँ ही पावरफुल। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली। ऐसा है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ वो आप करेंगे? यस, कम ऑन पापा, चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब बोलो क्या करना है। सिंपल है, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, आप अपने लिए और चिंकी के लिए बनाओगे और मैं गट्टू और अपने लिए बनाती हूँ। ये तो चीटिंग है ना मम्मी, पापा तो खाना बना लेंगे लेकिन आप पापा की तरह ऑफिस जा पाओगी, पापा की तरह कार चला पाओगी। बेटा अपने पापा से पूछो, जब तुम दोनों नहीं हुए थे तब मैं भी ऑफिस जाती थी, तुम्हारे पापा को ऑफिस ड्रॉप करती थी और कार लेकर अकेली अपने ऑफिस जाती थी, वो तो तुम दोनों के जन्म के बाद मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो ठीक है, हमें आपका चैलेंज मंजूर है, अब किचन में होगा महा मुकाबला, मम्मी वर्सेस पापा। मुकाबला शुरू हुआ, पापा और मम्मी सब्जी काटने लगे, लेकिन मम्मी के हाथ पापा से तेज चल रहे थे। यस मम्मी, गट्टू को यकीन था कि पापा मम्मी से हार जाएंगे क्योंकि खाना बनाना उनके बस की बात ही नहीं, लेकिन चिंकी को पापा पर पूरा भरोसा था। दोनों ने गैस पर अपनी अपनी सब्जी चढ़ाई और दोनों आटा गूंथने लगे। अब पापा मम्मी से तेज चल रहे थे, ताकत लगाकर आटा गूंथ रहे थे। यस पापा, 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 कम ऑन पापा। दोनों ने आटा गूंथा और रोटियां बेलने लगे। पापा फटाफट रोटियां बेल रहे थे और वो गोल भी बन रही थी, साथ साथ बिल्कुल मम्मी की रोटियों जैसे तवे पर गुब्बारे की तरह फूल भी रही थी। वाह पापा, आपका ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था, कहाँ से सीखा आपने रोटियाँ बनाना? कॉलेज लाइफ में बेटा, जब हम सब दोस्त बैंगलोर में फ्लैट लेकर रहते थे तब हर रोज मैं ही रोटियाँ बनाता था। पापा मम्मी ने मिलकर सारा खाना बनाया और महा मुकाबला संपन्न हुआ। मुकाबला संपन्न हुआ और कमाल की बात ये है कि दोनों खिलाड़ी इस परीक्षा में सफल रहे, अब है रिजल्ट की बारी। फिर क्या, गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, पापा ने चिंकी को खाना परोसा और मम्मी ने गट्टू को, दोनों ने एक एक निवाला लिया और खाना शुरू किया। वाह मम्मी, आज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। लेकिन बेचारी चिंकी पहला निवाला लेते ही वो जोर जोर से खांसने लगी थी, उसकी आंख और नाक से पानी बहने लगा था, उसने काफी कड़वा मुंह बनाया
और पानी पीने लगी। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं बना है क्या? रोटी ठीक है लेकिन सब्जी, नमक और मिर्च बहुत ज्यादा है, मुँह चल गया मेरा। ये सुनकर नाराज पापा ने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी समझ गई और झट से पापा की बनाई हुई सब्जी उठाकर वो किचन में भागी। थोड़ी देर बाद मम्मी सब्जी लेकर वापस आई और उन्होंने वो सब्जी चिंकी को परोसी। आप खाकर देखो। चिंकी ने एक निवाला लिया और वो चौंक गई। वाह मम्मी, सारा तीखापन गायब हो गया, नमक भी ठीक ठाक है, आपने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी और इमली डालकर सब्जी को फिर से पकाया है। यह सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, देखा मम्मी का टैलेंट, मैं तो मजाक कर रहा था, असली पावरफुल मैं नहीं तुम्हारी मम्मी ही है। ये मम्मी जीत गई, मम्मी जीत गई। हाँ पापा, अब हमें मानना ही पड़ेगा, मम्मी बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, हम दोनों भी पावरफुल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही पावरफुल तब होते हैं जब वो एक साथ होते हैं। दोनों में से एक भी साथ छोड़ दे तो दूसरे की पावर अपने आप कम हो जाती है। तुम्हारे पापा जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और तुम्हारी मम्मी जो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो, यही ना? बिल्कुल ठीक। तो हमें आज क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान में अलग अलग टैलेंट छिपा होता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलो अब हम ये सारा खाना मिलजुल कर खत्म करते हैं, खाना ठंड भी हो रहा है और भूख भी लग रही है, क्या कहते हो? हाँ हाँ चलो। फिर क्या, गट्टू जिंकी के साथ साथ मम्मी पापा भी खाना खाने बैठ गए और खाने पर टूट पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।